जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर यदि आप क्लास नाइन्थ में पढ़ते हो या फिर इलेवेंथ में पढ़ते हो और अगर यदि आप PMSSB स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितना परसेंट आप लोगों का अप्रॉक्स क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये सेकेंड बार एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट बार तो हो गया, ये लेकर के आप लोगों का सेकेंड बार एग्जाम हो रहा है, तो निश्चित बात है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस तो आएगा, लेकिन कितना परसेंट आने वाला है चलिए हम लोग बात करेंगे। जो कि अगर आप क्लास नाइन्थ में पढ़ते हो फिर भी देखिए, और इलेवेंथ में पढ़ते हो फिर भी देखिए, क्योंकि दोनों के लिए मैं दोनों क्लास के लिए ऑथेंटिक जानकारियाँ लाती हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो है क्लासेस में आप लोग को देती हूँ। ठीक है, और बहुत जल्दी आप लोग के प्यार एंड सपोर्ट से जो है लाइव टेस्ट भी हम शुरू कर देंगे, जिस प्रकार से आपका डिमांड रहेगा कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। उससे पहले और भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी देना चाहिए, चलिए उसको भी जानकारी दे देते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं और सबसे पहली बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उससे पहले मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आप लोगों को अगर यदि आपको अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करनी है तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में मैंने जितना भी वीडियो बनाया है अगर आपको एक सीरियल वाइज में देखना है तो क्या करें। अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे साथ रेगुलर तरीके से जुड़े हुए हैं तो वो तो देख ही रहे हैं। जो कि हमारा न्यू है उन लोगों के लिए बता दूँ कि क्या करना है। न्यू स्टूडेंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जो विद्यार्थी न्यू है तो आपको क्या करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मतलब अगर जानते हो नहीं जानते हो बता दूं कि जो आपका टाइटल दिख रहा है यहाँ पर, जो भी टाइटल दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए तो बहुत सारा लिंक खुल जाएगा और एक एक करके वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, या फिर आप लोग चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट बोल करके ऑप्शन आएगा तो वहां से एक एक करके हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है PYQ। ठीक है, तो PYQ क्या है सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा, है ना। PYQ है क्या, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि PYQ है क्या। तो PYQ का मतलब होता है पिछले वर्ष में पूछा गया प्रश्न, इंग्लिश में बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखिए मैंने कुछ पॉइंट लिखा है कि ध्यान से देखो प्रश्नों को। देखिए सबसे पहले PYQ को क्या कर लेना है, एक मिनट में अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। PYQ को क्या करना है, ओपन कर लेनी है। ठीक है, ओपन कर लेनी है, तो ओपन जैसे ही करेंगे PDF से भी करना है, PDF से कीजिए, या फिर जेरोक्स करा ली है तो कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बात है, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखना है एक एक प्रश्न को। उसके बाद देखो वहाँ पर कौन कौन से टॉपिक से क्या आ रहा है, प्रश्न आ रहा है उसे देखो। आप लोगों को जो जो टॉपिक से वहाँ पर प्रश्न दिख रहा है दोस्तों, ये आप लोग मान के चलिए कि दूसरे बार यानी कि आप लोग का 29 सितंबर को जो एग्जाम होगा प्यारे बच्चों, अगर फॉलो करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग जो है स्कोर बहुत ही अच्छा करेंगे, आपका रिजल्ट भी बेहतर होगा, आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, तो 29 अप्रैल को दोस्तों याद रखिएगा, 29 सितंबर को जब आपका पेपर होने वाला है तो आप लोगों को जो है बहुत सारा चीजें पता चल गई होंगी। देखिए यहां से मान लो क्लास नाइन्थ के लिए, मान लो कि जो आप लोग का, मान लो हम एक्सपल के लिए मान रहे हैं कि साइंस के लिए, मान लो वहां पर मुझे गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन दिखा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण वाला जो टॉपिक है उससे जिस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है आप लोग कंप्लीट कीजिए। ठीक है, मान लो क्लास इलेवेंथ की जो मैथ है, मैथ से मान लो ट्रिगोनोमेट्री से ज्यादा मैथ का जो है क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री से ज्यादा आ रहा है तो उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करनी होगी, क्योंकि ज्यादातर सवाल इसी से बनेंगे। चलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर दिखाता हूँ। अगर फ्री नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन करना ना भूलिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मैं जल्दी आपको दिखा देता हूँ कि प्रीवियस ईयर में कैसे आपको पॉइंट को ढूंढना है। नाइन्थ की भी बात करेंगे, इलेवेंथ की भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ओपन कर लिया है। ठीक है, तो ओपन कर लेने के बाद मेरी तरह ही आपको भी ओपन कर लेनी है। कहां से ओपन करेंगे, तो इसका जो कंप्लीट पेपर देख रहे हैं ये मैं आप लोगों को PDF के तौर पर फ्री में दे चुका हूँ। कहाँ पर, तो आप लोग टेलीग्राम में जा करके इसको प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर लें, उसके बाद हमारे साथ कंटिन्यू करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैथ्स का पेपर है, सबसे पहला यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैथ्स में देखिए यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोग का जो ब्याज मूलधन, ठीक है, ये सब चीजें है ना, इस चीजें से आप लोग का चक्रवृद्धि ब्याज जो हो गया, इस चीज को कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि यहाँ से सवाल आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया। उसके बाद देखिए आप लोग का जो, देखिए जो आप लोग का क्या होता है ना, जो कोण के बारे में डिटेल आपको अध्ययन करना है, मैं भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। जैसे कोण के बारे में, न्यूनकोण क्या होता है, अधिकोण क्या होता है, ठीक है, उसके बाद बृहत कोण क्या होती है, ये सब चीजें आपको डिटेल में पढ़नी होंगी, ताकि यहाँ पर देखिए एक मिलान दिया गया, आप इसे सॉल्व
कर सके। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे आप लोग का देखिए अलजेब्रा से यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, मतलब घटाना है। ठीक है, इसको क्या करना है बाबू, तो घटाना है। बहुत आसान तरीके से मैं इसको जब सॉल्व कराऊंगा PYQ बहुत जल्दी करा दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो हो गया, उसके बाद देख सकते हैं वैल्यू, इस प्रकार का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, इसको मैं ट्रिक्स आपको आगे बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी वही चीज है, जो आपको एक्सपेंड करने के लिए बोलेगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा। देखिए स्क्विजिल आप सॉल्व करेंगे, देखिए 11th वाले स्टूडेंट आप लोग जो है इसको कंप्लीट, देखिए आप लोगों को भी यहाँ से एक एनालिटिक पता चल जाएगा। ठीक है, मैं 9th का बता रहा हूँ, इसका मतलब आप वीडियो छोड़ करके चले जाएंगे, ये गलत बात है। आप लोग का भी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तब आप लोग का 9th वाले स्टूडेंट भी उस वीडियो को देखेंगे, मतलब उस सेशन को देखेंगे, क्योंकि 9th के लिए भी वो सेशन इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्सपेंड करना होगा, तो मैथ में ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी, है ना, सॉल्व करने के लिए आप लोगों का ज़्यादातर यहाँ पर जो मानक रूप है। ठीक है, मानक रूप वाला टॉपिक आपको कर लेनी है, मानक रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, आगे मैं कराऊंगा ये सब टॉपिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक्स का वैल्यू, जैसे कि आपका समीकरण होता है, कोई समीकरण जो होता है, समीकरण में आप किसी प्रकार से यहाँ पर जो भी चीज़ें दिया रहती है, यहाँ पर जो भी चीज़ें दिया रहती है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू पूछेगा या फिर वाई का वैल्यू पूछेगा, तो आप इजिली इसको फाइंड करना सीखना होगा। ठीक है, उसके बाद एकिक नियम वाला प्रश्न करना होगा, है ना, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एकिक नियम से भी प्रश्न आया हुआ है, इसका मैं जब ब्लू प्रिंट बता दूंगा तो और अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल देखिए आप लोगों का जो निर्देशांक ज्यामिति है, वहां से भी एक सवाल देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर मूल बिंदु का निर्देशांक 0.0 होता है। ठीक है, सब चीजें बहुत ही आसान आसान दिया गया है, आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पर क्या है, बहुलक से क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो उसके बाद आगे देखिए आगे आपको क्या पूछा गया, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत आसान आसान चीजें जो है पूछा गया है। ठीक है, तो हम मैथ का मैंने थोड़ा बहुत बात किया, देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो है बैज वाला जो टॉपिक है आप लोगों को कर लेनी है, चक्रवर्ती बैज जो है, जैसे सवाल दो ठो देख सकते हैं आप लोग का पूछा गया अभी तक। ठीक है, देखिए तीन ठो सवाल यहाँ पर, और एक ठो सवाल मतलब उसी टॉपिक से है लेकिन अलग टाइप का है। ठीक है, और इसके बाद ये वाला सवाल है ना, ये सब मैथ के वाले देख सकते हो, मैंने एक पेपर का एनालिटिक बताया। ठीक है, प्रायिकता वाला से एक सवाल दो सवाल रहेगा। ठीक है, तो ये सर वैल्यू से ही ज़्यादातर सवाल दे रहा है, और आप लोग का समीकरण से दो सवाल देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से एक तो दिखाया मैंने बताया है ना, और उसके बाद ये वाला आयु वाला सवाल यहाँ से पूछेगा, कन्फर्म है, ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन के लिए है ना। उसके बाद मैंने एक ही सब्जेक्ट का भी बताया, फिलहाल चलिए 11th की बात करते हैं, जैसे कि आप लोग इसे जब देखोगे तो इसका एनालिटिक मैं सेपरेट वीडियो पर बताऊँगा। ठीक है ना, तो प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये है क्लास 11th का पेपर, और इसमें 9th वाले स्टूडेंट भी देखने के लिए जो है देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आप लोग का जो है मैथ का एनालिटिक थोड़ा बहुत करके बताया, आगे मैं डिटेल्ड में एनालिटिक आप लोगों को बताऊंगा, ब्लू प्रिंट बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए आप लोग का किस किस प्रकार से पूछा गया, पहला जो है प्रायिकता से पूछा गया, तो प्रायिकता आप लोग जो है नंबर लगा लीजिए, एक नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रायिकता से और एक सवाल देख सकते हैं, धड़ाधड़ दो सवाल हो गया प्रायिकता से। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आगे आगे आप लोग का क्या बोल रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर वादी छिर के मतलब यहाँ पर भी क्या है प्रायिकता की हिसाब है, मतलब तीन सवाल धड़ाधड़ बन गया प्रायिकता से। ठीक है, तो समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रायिकता। ठीक है, तीन नंबर वाला सवाल यहाँ पर पूछा, हो सके कि इस बार चार सवाल आ जाए, दो सवाल आ जाए, है ना, प्रायिकता को कंप्लीट करना होगा, सांख्यिकी भी इम्पोर्टेंट है करना होगा, है ना, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है ना, तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो आप लोग का और एक सवाल दिया गया इस प्रकार का सवाल रहेगा, है ना। उसके बाद आगे देखिए, आगे है वृत्त वाला जो चैप्टर है, उसमें स्पर्श रेखाएँ, छेदक रेखाएँ, इस प्रकार से ये चीज़ें कर लेनी है आपको। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर देखिए साइन कॉस सेक वो सवाल है ना, तो ये मतलब इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्री भी इम्पोर्टेंट है, ट्रिगोनोमेट्री इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर वही चीज़ पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, त्रिभुज में यहाँ पर क्षेत्रफल सब याद रखना होगा, है ना। उसके बाद आप लोगों का पाइथागोरस प्रमेय का भी, इसका भी यहाँ पर यूज होने वाला है, आप इजीली कर सकोगे, है ना। जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप लोग कमेंट कर देना कि यहाँ से सॉल्व करवा दीजिए, मैं करा दूंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होगी, एक एक करके देखना, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 2023 के लिए। ठीक है, चलिए मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, एक एक करके चैप्टर भी सब सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आपका एक गो मिलान रहेगा, मिलान में गो मिलान रहेगा, मैच रहेगा मैथ में। ठीक है, जिसको सॉल्व करना होगा, देख सकते हो इसमें क्या होगा, जिसमें ज़्यादातर आप लोगों का दो चार वाले रैखिक समीकरण से ये वाला मिलान दिया गया, मतलब इस बार भी 2023 में भी दो चार वाले रैखिक समीकरण से ही मिलान आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आप लोग का दिखा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर a1 / a2 = b1 / b2 इस प्रकार से जो होता है ना, उसे याद करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होगी। तो दोस्तों ये मैंने 9 मिनट आप लोग को बता दिया, फिलहाल मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, फिर मिलेंगे आगे आपको सेपरेट वीडियो में बताएंगे कि
मैथ का एनालिटिक क्या है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद साइंस की भी बात करेंगे। कमेंट कर देना, मैं आप लोग के लिए सहायता के लिए हाजिर हूँ और हमेशा रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपके सामने टेलीग्राम जो है मैंने बना दिया है, क्योंकि आप लोग का हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।